सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ विकास, और आज फिर से मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक और मजेदार ट्रिक। स्पेशली आज की जो ट्रिक है मेरे उन व्यूवर्स के लिए है जिनके पास में एंड्रॉयड 10 वाले फोन नहीं है, या फिर कस्टम यूआई वाले जो फोन होते हैं वो नहीं है। अब ये चीज हटा देते हैं। बेसिकली मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप एंड्रॉयड 10 जेस्चर्स के बारे में जरूर जानते होंगे, काफी कूल है, मुझे भी काफी पसंद है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं अपने फोन पे हम एंड्रॉयड 10 जेस्चर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन को एंड्रॉयड 10 का अपडेट नहीं मिला है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि आप चाहते हैं कोई नया फोन लेना जिसमें आपको एंड्रॉयड 10 मिले, लेकिन आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, फोन खरीद नहीं सकते। आप अभी भी कोई एंड्रॉयड 10 से पहले का जो वर्जन होता है, एंड्रॉयड 9 है या फिर आपका एंड्रॉयड 8 है, वही फ़ोन अपना यूज़ कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि मैं भी अपने फ़ोन पे एंड्रॉयड 10 के जो एकदम कूल वाले जेस्चर्स होते हैं वो यूज़ कर पाऊँ। नेविगेशन जेस्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि आप बिना अपने फ़ोन को एंड्रॉयड 10 में अपग्रेड किए, बिना बहुत ज़्यादा अपने फ़ोन पे मेहनत किए, अपने फ़ोन में कैसे एंड्रॉयड 10 जेस्चर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। इसके लिए ना तो आपको अपने फ़ोन को रूट करना है, ना ही अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशंस करने हैं। बस एक सिंपल सा एक मेथड बताऊंगा, वो आपको अपने फ़ोन पे कर लेना है, उसके बाद में आप अपने फ़ोन पे एंड्रॉयड 10 के जेस्चर्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो बिना ज़्यादा टाइम गवाए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन ताकि आपको मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोज़ रेगुलरली मिलते रहें। तो दोस्तों बहुत आसान है अपने फ़ोन में एंड्रॉयड 10 के जेस्चर को इस्तेमाल करना। सिंपली आपको जाना है अपने फ़ोन में प्ले स्टोर पर जाकर के आपको सर्च कर लेना है फ्लूड नेविगेशन जेस्चर्स। जब जैसे आप ये फ्लूड नेविगेशन जेस्चर को सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर ये एक एप्लीकेशन दिख रही होगी, ब्लू कलर की है, इसको आप डाउनलोड कर लेना, फ्रांसिस्को करके इसका कोई डेवलपर है। ये एप्लीकेशन आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेनी है। अब इसके बाद में आपको छोटा सा काम करना है आपके पीसी या फिर आपके लैपटॉप से आप कर सकते हो उसको, जहां आपको ADB से कुछ परमिशंस देनी है ताकि आपके फ़ोन के जो बॉटम में अभी नेविगेशन बटन आते हैं, आपको पिन नेविगेशन की बात करें या फिर 3 बटन वाला जो नेविगेशन होता है उसको हाइड कर सके। इसी के बाद में आप अपने एंड्रॉयड 10 के जो जेस्चर्स होते हैं उनको पूरी तरह से इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आपके बटन दिखते रहेंगे तब तक आप उसको मतलब पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। जेस्चर तो आपके काम करेंगे लेकिन बटन अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस वीडियो में आपको आगे बताने जा रहा हूं कि आप उन बटन्स को कैसे हाइड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपने पीसी की स्क्रीन पर। तो गाइस ये आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पे फ्लड नेविगेशन जेस्चर एप्लीकेशन, मैंने इसको सिंपली डाउनलोड कर लिया, तो आपको भी डाउनलोड कर लेना है। अभी इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको जो भी परमिशंस वगैरह ये मांगे वो सारी आपको अलाउ कर देनी है, और ऊपर आप देख सकते हैं इनेबल का बटन, तो इनेबल वाला बटन जो है आपको ये प्रेस कर देना है, और आपको ओवरड्रॉ एप्लीकेशन की परमिशन भी दे देनी है, बैक करना है, फिर आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज में, यहाँ पे भी आपको फ्लड नेविगेशन जेस्चर्स को परमिशन दे देनी है, फिर आपको बैक करना है, और अभी आपको जो आपके डिफ़ॉल्ट नेविगेशन बटन्स आते हैं नीचे की तरफ 3 बटन आप देख रहे हैं, इनको आपको हाइड करना है। तो आप देख सकते हैं हाइड नेविगेशन बार, इस पर आपको टैप कर लेना है, और टैप करने के बाद में आपको यहाँ सिंपली जो सेकंड वाला ऑप्शन है 3 बटन नेविगेशन, इस पर टैप कर लेना है, और आपको 3 मेथड यहाँ पे दिखाई देंगे। मैं रिकमेंड करूँगा आप सेकंड वाला ग्रैंट विद पीसी, इसके साथ में आप इसको अपने बटनों को हटाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके फ़ोन का डेवलपर ऑप्शन वो आपको इनेबल कर लेना है। मैं भी आपको वो भी सेटिंग्स में दिखा देता हूँ। तो फ़ोन में मैंने डेवलपर ऑप्शन को इनेबल किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर चलते हैं, और अंदर चलने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा USB डीबगिंग, ये आपको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद वापस से चलते हैं अपनी एप्लीकेशन पे। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि आपके जिस भी PC पे आप ये काम परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ आपने ADB ड्राइवर्स इंस्टॉल किए हों। इसके बाद में आपको आ जाना है अपने PC पर। अब आपको आ जाना है आपके PC पर, और PC पे आने के बाद में आपको सिंपली यहाँ प्रेस करना है आपका लेफ़्ट शिफ्ट, और इसके अलावा राइट क्लिक आपको करना है आपके माउस से। ओपन पावर शेल विंडो हियर, ये आप ऑप्शन देख सकते हैं, आप इसको खोल लेना, और इसके बाद अगर आप चाहें तो कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल पावर शेल यूज़ कर रहा हूँ, और जो कमांड आपको यहाँ पर डालनी है वो ये है, मैंने नोटपैड में कॉपी किया हुआ है। कमांड आपको कहाँ मिलेगी, एप्लीकेशन में मिल जाएगी, इसके अलावा आप मेरे वीडियो में से भी देख सकते हैं। सिंपली आपको आपके पावर शेल में जाना है, राइट क्लिक यहाँ पर कर देना है, या कमांड में तो आपको राइट क्लिक कर देना है, आपकी जो कमांड होगी वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेना है अपने USB केबल के साथ में। तो ये मैंने अपने फ़ोन को अपने USB केबल के साथ में कनेक्ट कर लिया है, और मेरे PC पे यहाँ पे इसने एक छोटा सा अलर्ट मुझे दिया है। अब यहाँ सिंपली मुझे एंटर कर देना है। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, एंटर के बाद आप देख सकते हैं परमिशन ग्रांटेड, एक इस तरह का पॉपअप मेरे फ़ोन पे आया था, जिसका मतलब है कि मेरे फ़ोन का
जो कमांड मैं देना चाह रहा था वो हो गई है और अभी मैं अपने फोन के बटनों को हाइड कर सकता हूँ। तो ये सारा मेथड हो जाने के बाद में आपको एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पे आना है। यहाँ आकर के आपको अपने FNG या फिर फ्लड नेविगेशन जेस्चर्स को इनेबल कर देना है और आप देखेंगे कि आपके जो बटन थे नीचे की तरफ वो यहाँ से हाइड हो चुके हैं। आप वापस लाना चाहते हैं तो डिसेबल करके उसको ला सकते हैं और ये आप देख सकते हैं अब मैं अपने फ़ोन को बड़े ही आराम से यूज़ कर पाऊँगा। तो अब आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल एंड्रॉयड 10 जेस्चर्स के साथ में। मैंने यहाँ पे खोला है अपने फ़ोन में गूगल और इसको अगर मैं राइट से बैक करना चाहता हूँ तो भी मैं इसको बैक कर सकता हूँ। इसके अलावा आप चलते हैं फिर से एक बार और अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से भी बैक कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अपने होम स्क्रीन पे आना, जैसे आपने कोई भी एप्लीकेशन यूज़ की हुई है, फॉर एग्जांपल गूगल ही खोल लेते हैं, तो एक बार आप इसको नीचे से स्वाइप करेंगे तो आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। और अगर आपको यहाँ पे रिसेंट ऐप्स खोलने हैं तो आपको उसको स्वाइप एंड होल्ड करना है। तो बिल्कुल जैसे एंड्रॉयड 10 काम करता है उसी तरह से आप अपने फ़ोन में सारे जेस्चर्स को इनेबल कर सकते हैं और चाहे आप एंड्रॉयड 9 पे हैं 10 पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान था अपने फ़ोन में एंड्रॉयड 10 के जेस्चर्स को लाना और उन्हें यूज़ करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो वाकई अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि वो लोग भी इस तरह की चीज़ें अगर करना चाहते हैं तो कर सकें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस को मिस ना करें। अगर आप मुझसे कोई बात वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स मेरे राइट साइड में यहां दिख जाएंगे। इसके अलावा मैं आपसे मिलता हूं आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।